उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए चयनित 1354 स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने इन सभी को संबोधित भी किया। उत्तर प्रदेश शासन की शासकीय सेवाओं में एक पारदर्शी और निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के माध्यम से 5 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने शासकीय सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। प्रदेश के युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया के माध्यम से जो सम्मान प्राप्त हुआ तो उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ भी प्रदेश को मिलता हुआ दिखाई दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान योगी ने कहा कि यूपी एक बीमारू राज्य से उभरा है। देश के अंदर एक बीमारू राज्य माना जाता था, यानी यहां मनुष्य ही बीमार नहीं था, प्रदेश स्वयं ही बीमार था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वही उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर तेजी के साथ अग्रसर हुआ है। इस सामूहिकता है, टीम भाव है। जब 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश बोलता है, एक साथ चलता है, एक साथ निर्णय लेता है, तो उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। योगी ने इस मौके पर कहा कि उत्तर प्रदेश अधिक संभावनाओं वाला प्रदेश है। योगी ने यहां उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य के रूप में गिनवाया। दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारी है, सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है, सबसे अच्छा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उद्योग उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं।